बड़वानी जिले के पलसुद में भूमाफियाओं के तेवर बढ़ रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतकर्ताओं को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पलसुद में भाजपा नेता की कॉलोनी पर प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही से कार्यकर्ता असंतुष्ट है। शासकीय पहाड़ी को अवैध खनन करके बनाए गए अवैध कॉलोनी की शिकायतकर्ता द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद कॉलोनी का आज राजस्व अधिकारी पटवारी द्वारा सीमांकन किया गया। भाजपा नेता भूमाफिया जितेंद्र पिता राजाराम सोनी की अवैध कॉलोनी का लक्ष्मी नारायण सोनी के द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की गई थी। गाइडलाइन के अनुसार उक्त कॉलोनी शासकीय पहाड़ी पर अवैध कब्जा कर बनाई गई है। वही कॉलोनी में न तो गार्डन है, न मंदिर, न लाइट के खंभे, पानी की टंकी, कॉलोनी वासियों के लिए नाली तक की व्यवस्था नहीं है। भाजपा नेता जितेंद्र सोनी निवासी पार्टी द्वारा शिकायतकर्ता लक्ष्मी नारायण सोनी को विगत दिन फोन लगाकर शिकायत वापस लेने का बोला और साथ ही कहा कि यदि शिकायत वापस नहीं ली तो हाथ पैर तोड़कर जान से मार देंगे। वहीं राजस्व अधिकारी पटवारी द्वारा अवैध कॉलोनी पर की गई सीमांकन की कार्यवाही से शिकायतकर्ता ने असंतुष्टि जाहिर की है। पलसुद से कैमरामैन राजेश कनौजे के साथ जहर रेडवे की रिपोर्ट। नारायण सोनी का शिकायत द्वारा जमीन की शिकायत की गई थी मैंने हेडलाइन के ऊपर। कौन सी जमीन, कौन सी कॉलोनी है? जीतू राजाराम सोनी की। क्या नाम है कॉलोनी का? कॉलोनी का राजाराम कॉलोनी है और शिकायत दर्ज करी थी मैंने, पर शिकायत जो हुई उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अभी क्या शिकायत में, क्या आपने कहा? शिकायत में जमीन में जो अवैध अतिक्रम जो कर रखा है उसके बारे में मैंने शिकायत करी है कि बहुत ज्यादा यहाँ अतिक्रम हो रहा है, इसलिए मैं हेल्पलाइन पर शिकायत कर चुका हूँ। मैं और मैं अभी जो शिकायत जो जांच करी है वो आज उस जांच से मैं संतुष्ट बिल्कुल नहीं हूँ, जांच अधूरी हुई है। आपको जान से मारने की धमकी दी गई थी? हाँ, मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई थी, मेरे बच्चे के पांव हाथ तोड़ने की धमकी थी। रिपोर्ट डाली आपने? हाँ, मैंने आवेदन दिया है। आवेदन दिया है मैंने, आवेदन दे चुका हूँ, एसपी को दिया है, पुलिस थाने पे दिया है, तो तीन लोगों ने आवेदन दे चुका हूँ मैं कि मेरी जमीन पर पांव रखेंगे तो पांव हाथ तोड़ जाएगा। शिकायत की थी हमने सेम हेल्पलाइन में कि एम सोनी जो पलसुद के हैं उनकी शिकायत रही थी कि कॉलोनी जो है उसमें अवैध अतिक्रमण किया गया है ऐसा, तो उसकी जांच में तहसीलदार साहब ने हमें आदेश किया था, तो आज मौके पे आए हैं और जांच हमने की है। सर, किस प्रकार की जांच की गई? जांच की गई जो शिकायत की गई थी कि अवैध अतिक्रमण किया है ऐसा, तो उसकी हमने जांच करी। सर, कोई अतिक्रमण निकला इसके अंदर? वो हम वरिष्ठ अधिकारी को बताएंगे, रिपोर्ट दे देंगे। सर, शिकायतकर्ता का कहना है कि जांच आधी अधूरी की गई आपके द्वारा, वरिष्ठ अधिकारी को बता देंगे हम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।